हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिल्ली एनसीआर की एक और सस्ती मार्केट। जो नज़ारे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ना, ये इंद्रलोक मार्केट के हैं। ये वाली मार्केट सिर्फ थर्सडे को लगती है। अगर आपको भी इस मार्केट में आके अच्छी शॉपिंग करनी है, स्पेशली एथनिक वेयर की, जिसमें आपकी सूट साड़ियाँ कुर्ती प्लाजो सेट आएंगे, उसके लिए आपको सिर्फ थर्सडे आना पड़ेगा। रेड लाइन पे इंद्रलोक पड़ता है, उसी का जो मेट्रो स्टेशन है ना, उससे बाहर निकलते ही ये वाली मार्केट स्टार्ट हो जाती है। एथनिक वेयर में ना आपको जगह जगह पे ऑप्शंस दिखाई देंगे और इतने ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन होंगे कि आपका मन करेगा कि कुछ ना कुछ मैं भी अपने लिए जरूर खरीदूं। अगर आपको अपने लिए कुर्तियां सिलवानी है तो आप इस तरीके के ऑप्शन चूज कर सकते हो। 250 रुपीज पर मीटर आपको ये पड़ेगा और दुपट्टे भी इनको साथ में आप ले सकते हो। यहीं पे आपको ना साइड में दुपट्टों के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी जो मेजोरिटी थी वो थी थान के कपड़े की। कुर्तियां वगैरह का कपड़ा चाहिए 250 रुपए मीटर आपको मिल जाएगा। एक से बढ़ के एक ऑप्शन आपको इधर मिलने वाले हैं। इनके पास इतने कलर्स थे और एक से बढ़ के एक कलर था, मेजेंटा कलर, ब्लू कलर, एक्वा कलर, टर्मरिक कलर, तो काफी सारे कलर्स रहते हैं। बाकी अगर आपको कुर्तियां पहनना इतना ज्यादा पसंद नहीं है और आप साड़ी लवर हो तो आपके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप पीछे वीडियो में देख रहे होगे ना, तो वहाँ पे साड़ियां दिखाई दे रही थी, वो मैं आपको बाद में वीडियो में आगे दिखाऊंगी। उससे पहले हम कुछ और सूट एक्सप्लोर करते हैं। अगर आपको अच्छे पार्टी वेयर सूट चाहिए है ना, तो मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। 700 से लेकर 900 की रेंज में आपको बहुत अच्छे सूट मिल जाते हैं। जो ये बेबी पिंक कलर का आपको सामने सूट नजर आ रहा है ना, पूरा कढ़ाई का दुपट्टा है, कढ़ाई का सूट है, ये आपको 700 रुपए का पड़ेगा। इनके पास 700 रुपए में बहुत अच्छी रेंज थी, काफी अच्छे ऑप्शंस थे, बहुत सारा फैब्रिक था, कॉटन में एक से बढ़के एक डिजाइन थे। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, आपको जॉर्जेट के सूट नहीं पसंद है या आपकी स्किन को सूट नहीं करते, तो आप कॉटन का ऑप्शन ले सकते हो। बाकी मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, पर्सनल चॉइस की अगर मैं बात करूं, तो मुझे जॉर्जेट के सूट बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इंद्रलोक की लगी कि यहाँ पे आपको जॉर्जेट का अच्छा सूट 1100 रुपए में मिल जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप किसी मार्केट में जाते हो और आप शॉप वाले को बोलते हो कि भैया अच्छे जॉर्जेट के सूट दिखाओ, तो वो 2324 में दिखाना स्टार्ट करता है। जबकि ये सामने वाला जो सूट था ना, ये लाइट पीच कलर में था और ये आपको मिल जाएगा 1050 का, 1050 में आपको ये सूट मिलेगा। शिफॉन का दुपट्टा आएगा। अगर आपको अपने लिए साड़ियां चाहिए, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको बहुत सुंदर साड़ियां दिखाऊंगी, सीरियसली ये साड़ियां काफी ज्यादा अच्छी थी। सिर्फ 600 रुपए इनका प्राइस था और मेट्रो स्टेशन से निकलते ही जस्ट बाहर के भैया बैठे हुए थे और इनके पास मेजेंटा पिंक कलर में तो इतनी साड़ियां थी और एक से बढ़ के एक साड़ियां थी। तो आपको यहाँ पे ना बनारसी साड़ियों के काफी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। इस तरीके की साड़ियां आप कब यूज कर सकते हो, ब्याह शादी में पहन सकते हो, दिवाली पार्टी हो रही है ऑफिस में तब पहन सकते हो, या फिर और कोई फंक्शन है ऑफिस में है या फिर घर में है, तब आप इनको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मल डेज में तो इस तरीके की साड़ियां यूज में नहीं आती है, बट कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपको ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना होता और सुंदर लगना होता, उस टाइम पे आप उस तरीके की साड़ियां ले सकते हो। साड़ियों के साथ अगर आपको फुटवेयर्स की शॉपिंग करनी है ना, तो पार्टी वियर और फॉर्मल दोनों ही टाइप की आपको हील्स मिल जाएंगी। 250 की रेंज में काफी अच्छी वेरायटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि मैम प्लीज लोकेशन को एक्सप्लेन करें, तो मैंने उनको पहले भी बताया था कि ये वाली मार्केट मेट्रो स्टेशन से निकलते ही स्टार्ट हो जाती है। छोटी मस्जिद और डिस्पेंसरी सिर्फ दो ही गलियां लगती है, जिनमें पटरी मार्केट लगती है। नॉर्मली तो शॉप्स हैं ही। अगर आपको ये सामने वाले सूट पसंद आ रहे हैं, तो मैं इनकी प्राइस रेंज की बात करूं, तो ये सिर्फ 250 में पड़ेगा। इस तरीके के सूट आप कहां यूज कर सकते हो, लेने देने में यूज कर सकते हो, ब्याह शादियों में यूज कर सकते हो, क्योंकि शादियां एक ऐसा फंक्शन है, उस टाइम पे इतने सूट लगते हैं कि पूछो मत। क्योंकि शादी खत्म होने के 10-12 दिन तक भी सूटों का लेना देना चला रहता है, उस टाइम पे आप इन सूटों को यूज कर सकते हो। आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और सामने वाला भी बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि ये वाले सूट ना देखने में काफी अच्छे हैं, फैब्रिक बहुत बढ़िया है। अगर आपको अपने सूट और साड़ियों से मैचिंग चूड़ियां भी चाहिए, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। 50-50 रुपीज में आपको चूड़ियों के ऑप्शंस मिलेंगे। ये वाली मार्केट ना सीरियसली मुझे बहुत अच्छी लगी। एज कम्पेयर टू सदर बाजार मुझे इंद्रलोक काफी अच्छा लगता है। इन केस अगर आपको एथनिक वेयर खरीदना है, सूट साड़ियां खरीदने, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इंद्रलोक से एक बार शॉपिंग करके देखें। हर वीडियो में एक चीज मैं हमेशा रिपीट करती हूँ, जब भी किसी भी सस्ती मार्केट में जाएं, तो प्लीज ज्यादा कैश कैरी ना करें, चोरी होने का बहुत डर रहता है और आपकी पॉकेट इतनी सफाई से कटेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सामने वाला फैब्रिक जो मम्मी दिखा रही है अभी, चाहे वो लेवेंडर कलर है या फिर वाइन कलर है, सबका सेम प्राइस है,
120 पर मीटर पड़ेगा। आप इसमें से कुर्ती उर्ती बहुत अच्छे से सिलवा सकते हो। और नीचे जब कपड़ा लग जाता है ना, तो ये वाली कुर्तियां एक पार्टी वियर कुर्ती का लुक देती है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लगते हैं। इसमें कलर बहुत सारे थे। 40 रुपीज मीटर में आपको इस तरीके की नेट वाला जो कपड़ा रहता है, जिसमें शिमरी काम किया होता है, वो आपको 40 रुपीज मीटर मिल जाएगा। यहाँ पे वेराइटियों की कोई कमी नहीं है। जो रोड साइड पे पटरियां लगती है ना, वैसे पटरियां लगती हैं। अगर आपको और सूट चाहिए 350 की रेंज में, तो आप इस तरीके के ऑप्शन देख सकते हो। अगर आपने वीडियो से स्टार्टिंग से लेके अब तक अगर आपने कुछ नोटिस किया होगा ना, तो वो ये है कि इंद्रलोक मार्केट में जो सबसे ज्यादा वेराइटी रहती है ना, वो एथनिक वेयर की है। उसमें भी सूटों के आपको ज्यादा वेराइटी देखने को मिलेगी। 350 की रेंज में काफी अच्छे सूट मिल जाते हैं। और जब मैंने इस मार्केट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था ना, मुझे सीरियसली यकीन नहीं हुआ था कितने सस्ते सूट भी कहीं पे मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पहनने लायक नहीं होते, बहुत अच्छे सूट होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना ये मानना होता है कि सस्ती चीजें तो अच्छी नहीं होगी, बट ऐसा नहीं है। 350 में आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर पार्टी वेयर सूट मिल जाते हैं। बेडशीट वगैरह यहाँ पे क्या रहती है ना, नॉर्मली ये वाले बेडशीट आपको 200 रुपए का थान मिलेगा, बट अभी इस टाइम पे आपको 160 में भी मिल जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो आपको सामने नजर आ रहा है ना, ये 160 में था। बहुत सुंदर बेडशीट थी, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स थे, साथ में आपको 2 पिल्लो कवर्स मिल जाएंगे। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या कर सकते हो, बेडशीट पिक कर सकते हो। समर में तो लाइट कलर्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो अगर आपको लाइट कलर्स उतने ज्यादा नहीं अच्छे लगते, क्योंकि वो मैली भी बहुत जल्दी होती है, तो आप क्या कर सकते हो, डार्क कलर्स की तरफ मूव कर सकते हो। और सामने तो मैं आपको इतने सारे डार्क कलर दिखा रही हूँ, और घर में डार्क बेडशीट बेचने के बाद भी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ से आप काफी अच्छी रेंज में बेडशीट भी ले सकते हो, वो भी सिर्फ 160 रुपए में पूरा का पूरा थान आपको मिल जाता है। लहंगे वहंगे यहाँ पे आपको ना काफी अच्छे मिल जाएंगे। अगर मैं लहंगों की प्राइस रेंज की बात करूँ, तो 2-2.5 हजार में एवरेज और काफी सही लहंगे आपको मिल जाते हैं। वैसे तो यहाँ पे 800 और 950 के भी रहते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा एवरेज चाहिए है कि जो दिखने में भी सुंदर हो, प्राइस भी सही हो, तो आपको 2-2.5 हजार में काफी अच्छे लहंगे मिल जाते हैं। फुटवेयर्स में तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। छोटे बच्चों के अगर आपको क्यूट सी जुतियां चाहिए, तो आपको 100-100 रुपए में मिल जाएंगी। बच्चे किसी भी एज ग्रुप के क्यों ना, उनको चप्पलों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, स्पेशली लड़कियों को जुतियां बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हैं जिनके पैर का ये साइज रहेगा, तो आप उनके लिए यहाँ से जुतियां भी खरीद सकते हो। बहुत सारे कलर्स है, मल्टी कलर में चाहिए, सिंगल कलर में चाहिए, आपको दोनों तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। फुटवेयर की जो क्वालिटी थी ना, वो भी काफी सही थी। सूट तो यहाँ पे इतने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। 450 की रेंज में आपको इतने ज्यादा सुंदर सूट मिल जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब भी इंद्रलोक मार्केट जाने का टाइम आता है या बारी आती है ना, मम्मी हमेशा जाते और मुझे हमेशा छोड़ जाती है। एक तो उस दिन जाने का मेरा कोई मतलब सेंस नहीं बन पाती है, या फिर मुझे टाइम नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। तो हमेशा ये खुद ही इंद्रलोक मार्केट में जाती है, और इनको पता है कि इंद्रलोक मार्केट में इतने ज्यादा सूट मिलते हैं और इतने अच्छे अच्छे सूट मिलते हैं, अगर ये मुझे लेके जाने लगी ना, तो ये लुट के आ जाएंगी, इसलिए मुझे कभी नहीं लेके जाती है। और मतलब यहाँ पे सूट सीरियसली बहुत अच्छे मिलते हैं। आपको यहाँ पे प्लाजो सूट यहाँ पे 200-200 रुपए में मिल जाएंगे। नॉर्मली आप किसी भी मार्केट में जाओगे ना, तो आपको 300 रुपए की रेंज में आपको प्लाजो सूट मिलेंगे। बस इंद्रलोक मार्केट एक ऐसी है जिसमें आपको 200 रुपए में प्लाजो का पूरा पूरा सेट मिल जाता है। कुर्ती और प्लाजो दोनों साथ में आएंगे, कलर्स बहुत सारे रहते हैं। तो इंद्रलोक मार्केट ना काफी सही लगती है मुझे, काफी सस्ती मार्केट है। और सिर्फ 2-3 गलियां, एक छोटी मस्जिद वाली गली है, एक डिस्पेंसरी वाली गली है, और एक मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते जो रोड स्टार्ट होता है ना, उस पे आपको मार्केट मिल जाएगी। अगर आपको अपने लिए 100-100 रुपए मीटर में इस तरीके के कुछ आइटम पसंद आ रहे हैं ना, तो आप यहाँ से ले सकते हो। प्लेन जो आपका शिफोन का कपड़ा रहता है या जॉर्जेट का कपड़ा रहता है, वो आपको यहाँ पे 40 रुपए मीटर मिल जाएगा। कलर इसमें बहुत सारे थे, पिंक, ब्लू, ब्लैक, रेड, आपको हर कलर इधर मिल जाएगा, वो भी सेम प्राइस रेंज में, सिर्फ 40 रुपीज में। और एक और चीज थी जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ये वाली कुर्ती। इसका कपड़ा इतना ज्यादा मखमल सा था, सॉफ्ट कपड़ा था बिल्कुल, और सिर्फ 40 रुपए मीटर थी। तो आप सोचो 100-150 रुपए में आपको पूरी की पूरी कुर्ती का कपड़ा मिल जाता है, और डिजाइन देखिए कितना सुंदर है। अगर आपको घर के डेकोरेशन के लिए छोटी छोटी चीजें खरीदनी है, तो आपको इस तरीके के पॉट 100 रुपीज के
2 मिल जाएंगी। ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, नॉर्मली तो ये लोग 100 रुपए के 4 दे देते थे, पर पता नहीं अभी क्या हो रखा है कि 100 रुपए के 2 दे रहे थे। और बड़े वाला जो साइज रहता है ना वो 150 का सिंगल पीस था, ये भी आपको 100 रुपीज के मिल जाएंगे। तो साइज टू साइज प्राइस जो है वो वेरी करता है, प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है साइज के अकॉर्डिंग। तो आपको ना यहाँ पे डेकोरेशन की काफी सही चीजें मिल जाती है। शर्ट्स वगैरह अगर आपको चाहिए ना तो 150 रुपीज की 2 शर्ट्स मिलेंगी, 150 रुपए में 2 शर्ट आने वाली है, काफी सही थी फॉर्मल में भी। और वैसे अगर आपको कैजुअल शर्ट चाहिए ना उसके भी काफी अच्छे ऑप्शंस थे। अगर आपने शर्ट्स वगैरह देखी होंगी सरोजनी में या फिर सदर में, वहां पे क्या रहता है ना 150 रुपीज की सिंगल मिलती है, बट इंद्रलोक में वही शर्ट वही फैब्रिक आपको 150 रुपए के 2 मिल जाएंगे। सामने वाले गाउन 800 रुपए के हैं, ये साइड वाले जो प्लाजो सूट है ये 500 रुपए के हैं। तो आपको ना रोड साइड पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितने बजट की क्या चीज खरीदनी है, बट अगर आपको पार्टी वियर सूट खरीदने ना मैं तो यही सजेस्ट करूंगी प्लीज एक बार इंद्रलोक मार्केट को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत अच्छे सूट मिलने वाले हैं। बाकी ऑप्शंस की कोई कमी नहीं रहती है, चाहे आपको लड़कों की चीजें खरीदनी हो या फिर लड़कियों की या फिर अपने लिए कुछ पर्सनली शॉपिंग करनी हो, आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और हर एक डिजाइन में आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। पार्टी वियर चप्पलें किसको पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती है, स्पेशली मम्मियों को तो इतनी ज्यादा पसंद होती है कि शादी में जाएंगी तब नई चप्पल, किसी रिलेटिव के घर जाएंगी तब नई चप्पल, पड़ोस में कोई फंक्शन है तब नई चप्पल। भाई इनको बहाने चाहिए होते नई चप्पल खरीदने का और पहनने का। तो अगर आपकी मम्मियां भी ऐसी ही हैं तो आपको 250 की रेंज में इधर से काफी अच्छी चप्पलें मिल जाती है, डिजाइन बहुत सारे रहते हैं और मतलब प्राइस भी ऐसा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर 2-3 चप्पलें ले भी लेते हो तो। 150 की रेंज में आपको छोटे बच्चों की टी-शर्ट्स मिल जाती है, टी-शर्ट बहुत बढ़िया थी, मतलब सीरियसली कपड़ा बहुत अच्छा था। अगर आपको बड़ों के लिए टी शर्ट चाहिए तो 200 रुपए में, छोटों के लिए 150 रुपए में, ऐसे इनका प्राइस डिफरेंस रहता है। और ऑप्शंस की तो आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी, जगह जगह पे आपको बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। किसी ने मेरे से पूछा था कि छोटे बच्चों के कपड़े इंद्रलोक में ज्यादा मिलते हैं या सीलमपुर में, तो मैं उनको बता दूं इंद्रलोक मार्केट में नो डाउट आपको कपड़े मिलेंगे, बट जब बात आती है वॉल्यूम की कहाँ पे ज्यादा है तो आपको सीलमपुर में ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी। और वहां पे भी अगर आप लड़कियों के कपड़े लेने जा रहे हो फ्रॉक वगैरह वो ज्यादा मिलेंगे, मेकअप आइटम इधर मिलते हैं बट मेकअप आइटम्स को मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि बात तो स्किन की, आप यहाँ से 50-100 रुपए में चीजें तो ले जाओगे बट क्या होता है ना जैसे जैसे आप चीजों को यूज करोगे वो आपकी स्किन को वैसे ही डैमेज करेंगे। आप खुद सोचो ना यार कि 50 रुपए का फाउंडेशन क्या होता है, कहीं पे आता है? अगर इतने अच्छे फाउंडेशन इनके हों तो जो ये ब्रांड है 2-2 हजार रुपए में 1-1.5 हजार रुपए में फाउंडेशन बेच रहे हैं वो क्यों बेचे, वो भी 50-100 रुपए में बेच दे। बात इतनी सी है कि वो चीज आपकी स्किन को नहीं डैमेज करती है, ये वाली स्किन को ज्यादा डैमेज करती है। तो अगर आप भी स्किन लवर हो तो प्लीज इस तरीके के प्रोडक्ट सस्ते वाले मत खरीदो, साल में चाहे एक प्रोडक्ट खरीद लो, अच्छा ब्रांड का खरीद लो, उससे क्या रहता है ना आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी, वो लंबे टाइम तक वैसे की वैसी बनी रहेगी। अब मैंने वीडियो में आपको डार्क बेडशीट तो दिखा दी थी बट बहुत सारे लोगों को जरूरी नहीं है डार्क बेडशीट ही पसंद आए, तो ये वाली जो बेडशीट थी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, कॉटन की बेडशीट थी और जो इनकी प्राइस रेंज थी ना वो 550 रुपीज थी विद 2 पिलो कवर्स आएंगे। पूरी बेड की है, चाहे आपका किंग साइज बेड हो या नॉर्मल डबल बेड हो, बहुत ही अच्छे आपको प्रिंट मिल जाएंगे और कलर देखिए कितने ज्यादा सुंदर है। तो घर के लिए अगर बेडशीट चाहिए है, काफी अच्छी क्वालिटी की चाहिए और 500 तक स्पेंड कर सकती हूँ तो ये वाले ऑप्शन आपके लिए। अदरवाइज आप सस्ते वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हो, जो मैंने आपको 160 रुपीज का थान दिया था उसमें सिर्फ आपकी थोड़ी सी मेहनत ये होगी, वो थान होता है तो आपको चारों तरफ से अपने आप उसको सिलाई करनी पड़ती है, पिल्लो कवर खुद बनाने पड़ते हैं, ये डिफरेंस रहता है थान में और बनी बनाई बेडशीट में। सूट वगैरह जैसा कि मैंने आपको दिखाया 350 की रेंज में काफी अच्छे सूट मिल जाते हैं, वैरायटी सारी आपको रोड साइड पे देखने को मिलेगी और मतलब जो रोड साइड पे स्ट्रीट साइड पे जो भैया लोग बैठे होते हैं ना उनको भी ज्यादातर लोगों को लोकेशन का नहीं पता होता है, तो प्लीज बार बार लोकेशन ना पूछोगे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब हर एक ढेरी की लोकेशन बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि मैं नॉर्मली 2-3 गलियां एक्सप्लोर करती हूँ, डिस्पेंसरी वाली, छोटी मस्जिद वाली और जो मेट्रो स्टेशन के सामने वाले रोड पे पटरी मार्केट लगी होती है, वो सारे के सारे 350 की रेंज में सूट थे। येल्लो वाला भी बहुत सुंदर है, दुपट्टे के ऊपर लेसेस लगी है, साइड में टेसल्स है, तो काफी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे।
इस टाइम पे धूप बहुत ज्यादा हो रखी है, फेस कवर करने के लिए अगर आपको स्टोल चाहिए तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज का सिंगल स्टोल मिलेगा, 100 रुपीज में दो स्टोल मिलेंगे। तो स्टोल में काफी अच्छी वैरायटी मिल जाती है। स्टोल मुझे बहुत पसंद है, बट मैं नहीं, मतलब फेस कवर नहीं करती हूँ, बट फिर भी मुझे स्टोल पसंद है। तो अगर आपको भी स्टोल पसंद है तो यहाँ आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। इवन आपको प्लेन कपड़ा भी यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। मुझे प्लेन कपड़ा बहुत पसंद है और मुझे प्लेन कुर्तियां पहनना भी बहुत पसंद है। तो अगर आपको भी पसंद है तो यहाँ से आप 40 रुपए पर मीटर में आपको अच्छा फैब्रिक मिल जाएगा।